हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, 18 मार्च 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चन और फिर आगे देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि रिवर कालादान फ्लो को लेके है, मतलब कालादान रिवर है वो कौन से स्टेट से फ्लो करती है। पहला है आपके सामने इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है थाईलैंड। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अब आप देखो आपको पता होगा कि कालादान इंडिया के मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी आया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया तो है ही है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए तो है बट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह म्यांमार की इम्पोर्टेंट रिवर है कालादान। और इसी के साथ हम बात करें तो इंडिया ने भी इस रिवर के साथ मतलब एक तरीके से जो एमओ है वो साइन किया ताकि इस पर प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया जा सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो जो कालादान रिवर है वो इंडिया की मिजोरम स्टेट है, वहाँ से भी फ्लो करती हुई निकलती है और इसी के साथ ये म्यांमार की इम्पोर्टेंट रिवर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस रिवर को इंडिया के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। चिटमुपुर रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कालादान रिवर है वो इंडिया में किस नाम से जानते हैं और कौन से स्टेट से फ्लो करती है। ये इंडिया के मिजोरम स्टेट से फ्लो करती है एकमात्र। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पेड़ दिए गए और आपको सही आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया गया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, दूसरा दिया गया है यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, तीसरा दिया गया है यहाँ पे दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। देखो हमें करेक्ट पूछा गया तो यहाँ पे करेक्ट तीनों ही हैं। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजाजी है वो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है और दम्फा जो टाइगर रिजर्व है वो है मिजोरम में। तो इस प्रकार इसके तीनों की तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्वयं प्रोग्राम के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्वयं प्रोग्राम है ना, यह एक ग्रुप है 132 चैनलों का जो कि टेलीकास्ट करेंगे किस चीज को, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24/7 यूजिंग GSAT 15 सेटेलाइट। मतलब पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 32 DTH चैनलों का एक प्रोग्राम है जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशनल वीडियोस हैं 24/7 वो स्टार्ट रखेंगे GSAT 15 सेटेलाइट की हेल्प से। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अब देखो हम इसके बारे में देखते हैं स्वयं प्रोग्राम। दो प्रोग्राम आपको ध्यान में रखना है, एक तो है स्वयं और एक है स्वयं प्रभा। तो मैं आपको एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता दूं और एक बार इसका सोल्यूशन पहले वो देखते हैं और फिर डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो इसका आंसर बी है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत है। और ये पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है वो टीचिंग लर्निंग सोर्स है उनको एक जगह लेके आना है, ना कि इसमें 24/7 जो एजुकेशनल चैनल वीडियोज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये यहाँ पे इसलिए गलत है वो हो जाता है पहला स्टेटमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया ने स्वदेशी डेवलप किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD उसके अंतर्गत है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट ये ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट है वो भी इसके साथ मिलके काम कर रहा है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ HRD प्लस माइक्रोसॉफ्ट है उनका मिशन है। तो यूपीएससी इसको ऐसे भी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती है कि गूगल प्लस मतलब इंडिया का मिशन है या फिर किसी और कंपनी का वगैरह नाम भी आ सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके HRD मिनिस्ट्री ने यह इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया है। इसमें होगा क्या, वो स्टूडेंट जिन्होंने एजुकेशन बीच में ही छोड़ दिया किसी कारणों से, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उनको यहाँ पे नॉलेज है वो दिया जाएगा। एक IT प्लेटफॉर्म है उनके लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई चैनल वगैरह नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है एक तरीके का, ये ध्यान में रखना। मतलब एक वेबसाइट है एक तरह की, एक पोर्टल है जहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड सारा मटेरियल है वो मिल जाएगा, वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी अपनी किसी कारणवश बीच में ही छोड़ दी थी। अब देखो इसमें एक पहला स्टेटमेंट ये था कि 32 चैनलों का ग्रुप है जो 24/7 स्टडी रखेगा, लाइव वीडियो वगैरह रखेंगे। यह जो प्रोग्राम है वो है स्वयं प्रभा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मोटो है स्वयं प्रभा प्रोग्राम का है। जो स्वयं प्रोग्राम है वो अलग डिस्कस हमने किया है और स्वयं प्रभा प्रोग्राम है वो अलग है। तो उसके बारे में हमने देख लिया कि उसमें 32 चैनल है जिनको 24/7 स्टडी उसमें करवाई जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 मेंबर हैं वो इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं हर 5 साल के कार्यकाल के लिए। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी जो मेंबर होते हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है और इसी की सभी मेंबर्स के पास एक वोट होता है, जबकि जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है। हमें पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो ही एक बार आप ढंग से देखिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 मेंबर होते हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब उनका 5 साल कार्यकाल होता है। ये यहाँ पे गलत है। देखो जो परमानेंट मेंबर है वो तो है ही है 5, बट इसके अलावा जो 10 मेंबर होते हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर होते हैं वो एक्चुअली हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ना कि हर 5 साल के लिए। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जितने भी मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 15 मेंबर हो गए, तो सबके पास एक वोट होता है, जबकि जो परमानेंट मेंबर हो जाते हैं 5, उनके पास बेसिकली यहाँ पे क्या है आपको ध्यान में रखना है, उनके पास वीटो पावर होती है। तो ये फैक्ट अपने आप इम्पोर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेके किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। देखो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो एक बार इनमें से ऑप्शन देखना, काफी इजीली आप इसको गेस भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो। पहला ऑप्शन आपके सामने इंटरपोल, दूसरा दिया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस और चौथा है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब आप देखिए भाई, ड्रग्स एंड क्राइम का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे टेररिज्म से, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी भाई टेररिज्म को लेकर तो अभी तक उन्होंने तो एक डेफिनेशन भी क्लियर नहीं की है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको धुरा लगेगा। इंटरपोल है वो तो जो इंटरनेशनल पुलिस होगी सभी कंट्रीज की उनका ग्रुप है, तो इंटरपोल भी नहीं होगा। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, थोड़ा नाम से पता चल रहा है कि पीस वगैरह को लेके काम कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लेके NSM। देखो क्या है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर प्रमोट करना है तो हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सुपर कंप्यूटर का अगर सीधा सा मतलब हो तो ये होता है कि वो कंप्यूटर जिनके हेल्प से हम काफ़ी बड़ी मात्रा में कैलकुलेशन गणना वगैरह है वो करते हैं। देखो नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं उनसे हम काफ़ी बड़े लेवल के रिसर्च वगैरह के प्रोग्राम है वो सही ढंग से कंडक्ट नहीं कर सकते, तो एक छोटे छोटे कंप्यूटर्स को मिला के एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है, एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है जो क्या करता है बहुत बड़े लेवल के जो रिसर्च वगैरह होती हैं या फिर जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो, इन सब के लिए कैलकुलेशन वगैरह ऐसे बहुत सारे काम उसके द्वारा किए जाते हैं। तो हमारे देश में जो सुपर कंप्यूटर हैं इनको डेवलप किया जाए स्वदेशी रूप में, इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है वो लॉन्च किया था 2016 में। यह जो मिशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 2 डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो इसको इम्प्लीमेंट है वो करेंगे। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो ये कि हमारे देश को एम्पावर करना, किस लिए? नेशनल अकेडमी को एम्पावर करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही हमारे देश में जगह जगह पे सुपर कंप्यूटर वो इंस्टॉल किए जाएंगे। 70 इस सुपर कंप्यूटर की बात यहाँ पे की गई है, मतलब मोर देन 70, ताकि जगह जगह पे उनकी हेल्प से जो हाई परफॉर्मेंस वाले सुपर कंप्यूटर हैं तो उनका हम यूज करके एक अच्छा रिजल्ट हमारे देश के लिए वो प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जो सुपर कंप्यूटर हैं इनकी हेल्प से ही एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाया जाएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? NKN। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो नॉलेज है अगर सुपर कंप्यूटर, जैसे मान लो कि इंडिया काफ़ी बड़ा आपको पता है, तो इसके हर कोने में अलग अलग रिसर्च हो रही है, तो उसको आपस में एक जगह सिंक करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये नॉलेज है वो रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ अकेडमिक इंस्टीट्यूट की वो सारे काम यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो सकेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मिशन है इसका मोटो यही है कि हमारे देश में हाई परफॉर्मेंस के सुपर कंप्यूटर हैं वो डेवलप किए जा सकें, जिससे ह्यूमन का जो पार्टिसिपेशन हो कहीं ना कम हो और एक अच्छी रिजल्ट हमारे देश के लिए हम डेवलप है वो कर सकें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे DSIB, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। क्या ये? देखो आपने कई बार न्यूज़पेपर में एक नाम सुना होगा, टू बिग टू फेल, या आपने सुना होगा टू बिग टू फेल वाला। टू बिग टू फेल का मतलब ये है कि इतने बड़े बैंक हैं कि वो मतलब आसानी से फेल वगैरह नहीं होने वाले। अब देखो क्या है कि RBI ये टैग है या ये कैटेगरी है वो डिसाइड करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और RBI मेनली उन्हीं बैंकों को ये टैग देती है, वो बैंक जो हमारे देश के GDP का 2% तक एसेट या 2% तक उनकी प्रॉपर्टी, एक तरीके से सीधी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब ऐसा बैंक जिसकी प्रॉपर्टी हमारे देश की GDP के कंपेरिजन में 2% के आसपास है, उस बैंक को DSIB का दर्जा मिल जाएगा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। ये प्राइवेट सेक्टर को भी मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को भी मिल सकते हैं। अभी तक 3 बैंक थे, एक तो था SBI गवर्नमेंट का, 2 थे प्राइवेट, एक तो था ICICI, एक था HDFC। बट अभी जो IDBI बैंक है इसको भी कैटेगराइज है, इसको भी दर्जा देने की बात है वो की गई है, तो इसको दर्जा मिल जाएगा। तो टोटल 4 है वो यहाँ पे हो जाएंगे। देखो जो डीएसआईबी बैंक होते हैं ना, ये वो बैंक हैं जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में एसेट्स होती है, इनके पास बहुत पैसा है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लोन वगैरह दे देते हैं इनमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसके साथ इनकी जो इकोनॉमिक है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो है वो करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टू बिग टू फेल का मतलब क्या है और कौन कौन से बैंक है उनको डीएसआईबी का दर्जा मिला हुआ है। और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि उस बैंक के पास 2% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए हमारे देश की एसेट्स, तभी उसको डीएसआईबी का दर्जा दिया जाता है आरबीआई की द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एल नीनो को लेकर। तो देखो पहले हम थोड़ा एल नीनो को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे मुद्दे पे चलते हैं। देखो नॉर्मली होता क्या है, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, और आपको पता है साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे नॉर्मली महासागर, सो नॉर्मली क्या होता है जो कॉन्टिनेंट या फिर जो हम बोल सकते हैं महाद्वीप, इसके वेस्टर्न हिस्से में ठंडी जलधारा बहती है। ठीक है भाई, ठंडी जो मतलब ठंडा जो ओशियन करंट है, कोल्ड ओशियन करंट है, वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे गर्म जलधारा या बोल सकते हैं वार्म करंट है वो फ्लो करता है। ये तो होता है नॉर्मली साइकिल। अब आपको पता है कि जो करंट है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है, और हाई डेंसिटी कौन से की होगी, ठंडे करंट की होगी। तो मतलब पानी का जो भाव है या पानी का उसको धारा करंट है वो डायरेक्शन होगी ईस्ट साइड। ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल हम डेज की बात कर रहे हैं। बट होता क्या है कई बार, देखो अभी तक इसका रीजन आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि एल नीनो का परफेक्ट रीजन है क्या। तो होता कई बार क्या है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये साउथ अमेरिका, इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है ना ये गर्म हो जाता है, इसका पानी नॉर्मली तो होना चाहिए ठंडा, बट कई बार क्या होता है ये हो जाता है गर्म। अब अगर ये गर्म हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये गर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो पानी का भाव का फ्लो था वो भी बिगड़ जाएगा, और उसके उससे काफ़ी सारे इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर ये हिस्सा गर्म हो गया, ये पानी गर्म हो गया, तो होगा क्या, इसकी कंपेरिजन में ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो ये हिस्सा है ना ईस्टर्न कोस्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है। देखो आप स्टेटमेंट ढंग से समझना, जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हिस्सा है ना इसकी कंपैरिजन में इससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। नॉर्मली तो ये होता है ठंडा, बट होता क्या है एल नीनो के कंडीशन में ये जो हिस्सा है ज़्यादा गर्म हो जाता है इस पानी की कंपैरिजन में। तो पानी के जो करंट का फ्लो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा उल्टा, ऐसे हो जाएगा। अब अगर ऐसे होगा तो इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, इस वाले एरिया में बहुत भारी बारिश होती है। मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये चिली पेरू वाला जो हिस्सा है, इस वाले एरिया में बहुत तेज़ बारिश होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो ये हिस्सा है यहाँ पे सूखा आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो ये तो उसका इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि एल नीनो का इफेक्ट है वो क्या क्या होता है, और इंडिया पे क्या इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये तो हमने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया कि भाई एल नीनो अगर आता है तो उसका रिजल्ट क्या क्या होता है। देखो वैसे हर 2-3 साल में एक बार एल नीनो वो आता है। अभी तक आता क्यों है इसका सही रीजन आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि एल नीनो में होता क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया। इस वाले नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जो चिली और पेरू वाला हिस्सा है यहाँ पे बारिश है वो नहीं होती है, बट एल नीनो के कंडीशन में यहाँ पे बारिश होती है। और ऑस्ट्रेलिया वाला जो ईस्टर्न हिस्सा है वो सूखा पड़ जाता है, और इंडिया के अंतर्गत भी बारिश है वो अच्छी होती है। और ये आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। अब हम कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि जो पेरू हुआ, चिली हुआ, इक्वाडोर वाले कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ या आप बोल सकते हो कि अनयूजुअल रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो ओशियन के न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, प्लैंक्टन वगैरह, वो क्या करते हैं सरफेस तक नहीं आ पाते हैं, और उसकी वजह से जो मछलियों का आहार है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जो फिश इंडस्ट्री है वो भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही एल नीनो है वो सूखा लेके आता है। कहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एल नीनो सूखा लेके आता है साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ ही पैसिफिक आइलैंड, और इसके साथ ही अफ्रीका और इंडिया। तो आप देखो ऐसे याद रख लेना कि अगर एल नीनो आ रहा है उस कंडीशन में इधर वाला जो सारा हिस्सा है ना इस सारे में सूखा पड़ने लग जाएगा, और इधर वाले हिस्से में काफ़ी बारिश है वो हो जाएगी। ऐसा आप इस फैक्ट को याद है वो रख सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट जो एशिया वो ओबियसली गर्म हो जाएंगे, क्योंकि गर्म तो मैंने आपको बताया खुद अभी कि यहाँ का पानी है वो ज़्यादा गर्म रहेगा कंपेरिजन उसके। अब एक स्टडी हो रहा है, WHO की रिपोर्ट है। WHO की देखो रिसेंट रिपोर्ट ने ये कहा था कि जिस साल एल नीनो आता है ना उस साल वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ जाती हैं, यानी जो डिजीज जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मच्छर के द्वारा फैलाई जाती हैं, मॉस्किटो डिजीज होती हैं, वो बढ़ जाती है। कहाँ पे, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी वजह से इंडिया में मलेरिया है वो भी बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि एल नीनो अगर आता है तो इंडिया में मलेरिया के केसेज हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो यूपीएससी इनके बारे में, फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बॉम्ब साइक्लोन को लेके। देखो यूपीएससी में भी इसके बारे में पूछ ले। कंटेक्स्ट ये है कि जो बॉम्ब साइक्लोन है वो अभी यूएस के अंतर्गत आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉम्ब साइक्लोन कहाँ से रिलेटेड करें। यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है। इसके साथ ही एक साइक्लोन और था अभी चक्रवात इदाई। जो चक्रवात इदाई था वो था मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हो, यहाँ पे ईस्टर्न हिस्से पे है मोजाम्बिक, और यहीं पे मोजाम्बिक चैनल जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग है वो यहाँ पे करता है। तो मोजाम्बिक में जो भी चक्रवात आया था उसका नाम था इदाई। अब देखो इंडिया में भी इस बार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया पे एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था तितली। और आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में जो साइक्लोन आते हैं उनका नाम है, वो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो बारी बारी से अपनी तरफ से रखती हैं। जो तितली साइक्लोन का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और यह किस तरीके का साइक्लोन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तितली साइक्लोन है वो कौन से टाइप का साइक्लोन है, ट्रॉपिकल है या आपको बताना है यहाँ पे टेम्परेट है, कौन सा साइक्लोन है कमेंट बॉक्स में आप बताओ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है ना, इसको 2010 में बनाया गया था। क्यों इसको बनाया इसलिए गया था ताकि हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो लाई जा सके। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसका काम क्या क्या है, इसका काम ही है एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिस तरीके से हम बात करें कि फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना हो, इसके साथ ही आप बोल सकते हो वित्तीय समावेशन हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो वो लाना। इसके साथ ही हम बात करें इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, कहाँ कहाँ पे इकोनॉमी लैग कर रही है, कौन कौन से रीजन है उनको आइडेंटिफाई करना। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, साक्षरता, वो लेके आना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा मैंने आपको बताया, और जो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन है, मतलब जैसे कि आपको बताया कि सेबी हुआ, इसके साथ ही IRDA हुआ जो कि इंश्योरेंस को वगैरह को रेगुलेट करता है, इन सब के बीच में भी इंटरलेक्शन आप जो इंटर कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करना, ये सारे काम है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं जो कि 2010 में बनाई गई थी। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसके जो पर्सन या मेंबर होते हैं वो कंसिस्टिंग ऑल रेगुलेटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब रेगुलेटर्स की कौन से हो गए, वो रेगुलेटर हो गए जो IRDA के रेगुलेटर हुए, सेबी के रेगुलेटर हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। जबकि इसके हम बात करें मेंबर की, तो उसमें देखो RBI के गवर्नर भी इसके मेंबर होते हैं, इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री के। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस हो गया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसके मेंबर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चेयरपर्सन भी इसके मेंबर होते हैं, इसके साथ ही सेबी है उसके चेयरपर्सन भी इसके मेंबर होते हैं, IRDA के भी जो मेंबर होते हैं, IRDA के जो चेयरपर्सन होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके साथ ही PFRDA जो पेंशन रेगुलेटरी फंड है उसके जो मेंबर चेयरपर्सन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और इसी के साथ ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है इसके जो चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है उन सब के जो चेयरपर्सन है वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। काम क्या वो हमने डिस्कस यहाँ पे किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेके। देखो कंटेक्स्ट ये आया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे ओटर्स की जो संख्या है उसकी, जिसको ओटर जिसे हम उदबिलाव भी कहते हैं, उनकी एक तरीके से सेंसस या उनकी जनगणना की जा रही है। तो हम देख लेते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो हिमालय के फुटप्रिंट, यहाँ बोल सकते हैं कि हिमालय की तलहटी वाले एरिया में। तो देखो ये हिमालय से और फिर ये मैदानी एरिया स्टार्ट होता है। तो तलहटी का मतलब क्या हो गया, जो जस्ट नीचे वाला ये वाला हिस्सा हो गया ना, जहाँ पे मतलब हिमालय का एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है और हिमालय यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, ये वाला एरिया होता है तलहटी वाला। इस एरिया में स्थापित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। है कहाँ पे है, यह मेनली इंडिया के कहाँ पे है, इंडिया के उत्तर प्रदेश में। ये आपको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है जो कि नेपाल के बॉर्डर के काफी क्लोज है। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कौन से रिवर फ्लो करती है वो इम्पोर्टेंट है। रिवर है इसमें एक तो शारदा और एक है इसमें घाघरा रिवर है, वो इसके अहम पार्ट हैं जहाँ पे पानी के सोर्सेज इनको मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, लियोपर्ड एलिफेंट हुआ, और भी मंकी हैं वो पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, मगर जो क्रोकोडाइल है वो वगैरह भी पाए जाते हैं। ओटर के बारे में देखो, ओटर एक इस तरीके का जानवर होता है उदबिला, ये आप देख सकते हो। तो इनकी भी यहाँ पे संख्या है वो काउंट की जा रही है। तो ये आपको तो उस फैक्ट पता होना चाहिए। देखो ओटर होते हैं ना, वो हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक अहम पार्ट होते हैं और ये एक हेल्थी इकोसिस्टम को भी इंडिकेट करते हैं, मतलब एक तरीके के इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे अच्छा हेल्थी इकोसिस्टम है वहाँ पे मेनली ओटर हैं वो पाए जाते हैं, और ये मैंने जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके काफ़ी क्लोज पाए जाते हैं, और ये मछली के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब इनका जो मुख्य आहार होता है वो होते हैं मछली। और ये IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें वनरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये थी देखो आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।